हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियोज़ जो भी मैं अपडेट करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? यश। यश कौन सा डे है? थर्ड डे। यश अभी गाड़ी क्या बोल रही है, इंजन क्या कह रहा है? हाँ, तो क्लच दबा के सेकंड गियर करो। हाँ चल, क्लच को रिलीज करो। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले डाउनहिल में कार को कैसे निकालना चाहिए और अपहिल में कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो दोनों चीज़ के बारे में मैं आज बताऊंगा, डाउनहिल और अपहिल दोनों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, सिग्नल दो लेफ्ट का। हाँ, और क्लच और ब्रेक पे पैर रखें। बिफोर 100 मीटर पहले हमें प्लानिंग करनी है, किसी खड़ंजे से लेफ्ट ले लो। यश आपका क्लच पे पैर सही नहीं रहता है, आपका बार बार पैर वहां से हट जा रहा है। जो पॉइंट मैंने बताया था ना, उस पॉइंट पे आपका पैर नहीं रहता है। एकदम सीधा जाना है, सर्कल बनाना है, एकदम सीधी रखो, स्टीयरिंग सीधी। हाँ, अब लेफ्ट घुमा दो पूरी फुल 90 डिग्री से फुल। हाँ, राइट वाला पैर कहाँ है? सीधी करो, सीधी। अब जहां से आए हो वहीं से निकाल लो, जिस पॉइंट से आए हो वहीं से निकाल लो। हाँ, अभी यहाँ से राइट जाना है। हाँ राइट जाना है। क्लच दबाओ पूरा, वापस रिलीज करो, फिर दबाओ, फिर रिलीज करो, बस जाने दो। जरा नीचे नजर मारो, क्लच वाले पैर पे नजर मारो। हाँ रुको गाड़ी, बस हाँ यहीं दबाओ पूरा, क्लच दबाओ पूरा, दबाओ दबाओ, बस ब्रेक ले लो। हाँ अब ये बताइए, आपका क्लच टो से दबा या खाली अंगूठे से दबा है? टो से भी दबाए, खाली अंगूठे से दबाए, खाली अंगूठे से दबाए। अभी अभी भी भाई खाली अंगूठे से दबाए, चारों उंगलियां आपके नीचे लटक रही थी। मैंने वीडियो इसीलिए शूट करी है आपकी, 1 मिनट की, आप जाके घर देखिएगा। वो क्लच वाला ही पैर आपका नहीं संभल रहा है, आप ऐसे यूज कर रहे हो पैंडल यूं, ये उंगलियां इधर लटक रही है, और ये पैर यूं होना चाहिए, ये टो वाला पॉइंट होना चाहिए आपका, ये पॉइंट होना चाहिए ये, और आप ये रख रहे हो ऐसे। भाई ये पैंडल पूरा हमको टो से ढकना है, ये जी वाला ना, ऐसे कह रहे हो आप, ये हाँ ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, और ये कभी भी नहीं आ रहा है आपका। मैं सही कराता हूँ, आप उसको गड़बड़ कर दे रहे हो गई स्टार्ट, हो गई। चलो सबसे पहले तो हमको क्लच के पैंडल को पकड़ना है कि किस पॉइंट से, किस पोजीशन से उसको रखना। सारा गेम तो क्लच का ही है भाई। अब गाड़ी चाहे जितनी अच्छी चला लो, जब हमें पैंडल ही यूज नहीं करना नहीं आ रहा सही से, तो दिक्कत बनी रहेगी। अंगूठे के साथ आपके फिंगर होना कंपलसरी है, तो फिंगर अगर पैंडल पे है तो इसका मतलब आपका टो है। ओनली अंगूठे से तो पैर ऐसे लटक जा रहे हैं, है ना। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, हाँ, और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गियर चेंज करो। इतना समय थोड़ी लगाते हैं गियर चेंज करने में, क्लच दबाया गियर खींच दिया, ज्यादा देर तक क्लच दबाए रहोगे तो इंजन फ्री हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी फिर। अब यहाँ पे देखना डाउनहिल है, ठीक है, अभी गाड़ी यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, अब पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो, फुल क्लच दबाओ और ब्रेक ले लो, स्टॉप करो, पूरी बात सुना करो, मैंने क्या कहा, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लो, पूरा दबा दो ना। हाँ वही चीज। अब गाड़ी आपकी देखो यहाँ डाउन हिल है, बहुत सारे न्यू जो ड्राइवर होते हैं, न्यू विगरर, उनको पता ही नहीं होता, जैसे आपने वहाँ गलती क्या करी थी अभी इससे पहले, जब मैंने कहा, आपने कहा वहाँ कोई है ही नहीं है, बोला था ना आपने, तो आप सीख रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई नहीं देख रहा है तो उसका मतलब आप सिग्नल नहीं देंगे। सीखने का मतलब क्या है कि एक भी गलतियां ना हो। अब आपने गाड़ी रोक दी, गाड़ी कौन से गियर में आपकी? सेकंड गियर। अब गाड़ी कौन से गियर में यहाँ पे उतारनी चाहिए? फर्स्ट गियर करो। ये इसको ना, जब ये चीज इसकी समझ जाओगे, ये और ये, उसके बाद गियर मक्खन जैसा लगेगा। अभी गियर अटका था, नहीं अटका था, ये सेकंड पे था ना, तो सेकंड से पहले लेफ्ट दबाओ ना भाई, सेकंड से इधर ही दबा के लगा दो ना, लग गया ठीक। अब पहले ब्रेक को रिलीज करो, अब क्लच छोड़ो, पैर हटाते नहीं है वहां से, पैर हमेशा टच रहता है पैंडल से, एक बाल जितना भी पैर में गैपिंग नहीं आनी चाहिए। अब पूरा झटके छोड़ा, देखो तुमने, क्लच बंद हो गई गाड़ी, यही चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ रहे हैं?
बस इंजन बंद होने का मतलब क्या है कि क्लच हमारा प्रॉपर नहीं रिलीज हुआ है। अब पूरा क्लच दबा लो और ब्रेक लो, ब्रेक। अब ब्रेक से डिसाइड करना है आपको, अब यहाँ इंजन का कोई रोल नहीं है क्योंकि गाड़ी डाउनहिल में जा रही है ना कि अपहिल में। डाउनहिल में जाने के लिए तो गाड़ी अपने आप फिसल जाएगी। अब आप क्लच दबाए रहो और ब्रेक को छोड़ो, और उतना ब्रेक छोड़ो जितनी आपको जरूरत है, ज्यादा नहीं, उतना ब्रेक छोड़ो जितनी आपको जरूरत है। और लेफ्ट आओ, और थोड़ा और लेफ्ट आओ। हाँ, धीरे धीरे उतारना है, हल्का लेफ्ट आ जाओ, ज्यादा राइट जा रहे हो, फिर वो देखो वहां सामने, फिर दिक्कत होगी। बस जाने दो, और लेफ्ट आओ, हल्का क्लच छोड़ो, हल्का सा रेस करो, हल्का सा, हाफ क्लच पे। आपने फुल क्लच छोड़ दिया जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई, इंजन ही बुझ गया। ब्रेक दबा के रखना पूरा फुल। हाँ, हो गई स्टार्ट। अब एक चीज का हमेशा ध्यान दो भाई, यहाँ पे देखो इतनी ऊंची चढ़ाई है, अब ऐसी चढ़ाई पे अगर आप फुल क्लच छोड़ोगे तो क्या होगा, इंजन बंद हो जाएगा। फुल क्लच वहां रिलीज करना होता जहां पे प्लेन रोड हो या गाड़ी हमारी 1-2 मीटर बढ़ गई हो। अब आपको करना क्या, यहाँ पे धीरे धीरे पहले क्लच, अब गाड़ी स्लोपिंग पे है, ठीक है, अगर आप ब्रेक रिलीज करोगे तो गाड़ी चली जाएगी पीछे, तो आपको ब्रेक पूरा दबा के रखना है। पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, फुल नहीं, और थोड़ा और। अब ब्रेक वाला पैर एक्सीलेटर पे ले जाओ फट। अब हल्का रेस करो, हल्का रेस करो, और लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, बस स्टॉप करो पूरा क्लच और ब्रेक। गाड़ी चढ़ गई, 1 इंच भी गाड़ी पीछे गई नहीं गई, ये दिमाग लगाने वाला खेल है। 1 सेकंड कम ज्यादा होते ही गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। इसको बहुत प्यार से और बहुत समझ के इंजन के साउंड को ऐसे सुनना जैसे कि हम किसी की बातें सुनते हैं, वही सेम चीज। पहले क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, हाँ, ब्रेक छोड़ो। अब ज्यादा आपने क्लच, जरूरत से ज्यादा क्लच छोड़ दिया जिसकी वजह से इंजन ही बंद हो गया। भाई ये क्लच देखो, आपने ब्रेक लूज किया था भी इसलिए गाड़ी पीछे लुढ़की, बस ये, बस इससे ज्यादा नहीं। ब्रेस लो हल्का भाई, जरूरत से ज्यादा अगर चढ़ाई है तो वहां हल्का आप एक्सेलेटर ले सकते हो, फिर स्टॉप करो, भागो मत। हाँ, अब स्टीयरिंग सीधी रखो और ब्रेक को रिलीज करो, गाड़ी थोड़ी पीछे जाने दो डाउन हिल में, और जाने दो, और जाओ पीछे, सीधी रखो स्टीयरिंग। जाओ, बस स्टॉप कर लो। फिर अब इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, मैं उतर रहा हूं, ठीक है। इसको आराम से, 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, और एकदम कूल होके गाड़ी का इंजन बंद नहीं होना चाहिए किसी कंडीशन में, झटका भी नहीं आना चाहिए। 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, स्टॉप। 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करो, हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमा के रखो, राइट राइट, और घुमाओ, अब पीछे लेके जाओ, ब्रेक छोड़ो, बस पीछे जाओ, और जाने दो, और जाओ, हाँ जाने दो, और जाओ। अब वहां से प्रैक्टिस करते रोक रोक के लेके आना है, स्टॉप, 1 मीटर बढ़ाओ रोक लो, 1 मीटर बढ़ाओ रोक लो, तभी तो इसकी प्रैक्टिस होगी। गुड, क्लच का ही सारा गेम है, गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जानी चाहिए। फिर वापस पीछे आ जाओ, पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेके, फिर उसके बाद ब्रेक को लूज करो, गाड़ी अपने आप पीछे आएगी। जाओ और जाओ, जाने दो थोड़ा पीछे, हल्का राइट स्टीयरिंग घुमाओ, राइट राइट, और स्टॉप। देखो गाड़ी कहाँ गई तुम्हारी, देखो भाई गाड़ी जब पीछे जा रही तो ये भी तो देखोगे पहिया कहाँ जा रहा है। अब बाद में घुमाई आपने, जब गाड़ी आपकी पूरी उतर गई उसके बाद पहले से घुमाना चाहिए था ना, जब गाड़ी नीचे लेके जा रहे थे तो नजर कहाँ रहनी चाहिए थी, पूरी गाड़ी अभी देखो रॉन्ग साइड चली गई, अपोजिट। अब चलो आप ही प्रैक्टिस कर लो,
बंद हो गई, झटके से छोड़ दिया। जरा सा भी क्लच ऊंचा नीचा छूटेगा गाड़ी बंद हो जाए, इंजन बुझ जाएगा। हल्का एक्सीलेटर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, उसके साथ हल्का रेस ले लोगे तो जल्दी चढ़ जाएगी। बढ़ाओ जाओ, अब वापस बैक आओ, बैक आना, बट अपना राइट साइड देख के आना। गाड़ी बीच रोड पे रहनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए। दोनों मिरर चेक करो, लेफ्ट और राइट वाले बराबर, दोनों साइड स्पेस रहना चाहिए। जाने दो, दोनों साइड मिरर चेक करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेस है। हाँ, जैसे जैसे रोड मुड़ रहा है वैसे वैसे गाड़ी मोड़ो। गलत काट रहे हो, गलत काट रहे हो भाई। राइट काटोगे लेफ्ट काटोगे? राइट काटो जल्दी जल्दी, और काटो और, बस चली जाएगी गड्ढे में गाड़ी। अब यहाँ पे तुमने देखो गलत डिसीजन लिया, तुम्हें काटनी चाहिए थी राइट स्टीयरिंग, तुमने काट दी लेफ्ट, इसके लिए गाड़ी चली गई नीचे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ। गुड, स्टॉप, फिर बढ़ाओ, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए एक इंच भी। जाने दो, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।